नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा बेहद चुस्त और हाईटेक कर दी है। इसके चलते लंबे समय से जम्मू कश्मीर में करीब करीब शांति का माहौल है, लेकिन पिछले कुछ समय से भारत के खिलाफ पाकिस्तान नई साजिश में जुटा है। दरअसल उसके अंदरूनी बिगड़ते हालात, खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के साथ ही उसके कब्जे वाले कश्मीर में हो रहा विरोध और भारत के प्रति बढ़ता समर्थन पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। ऐसे में पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को बढ़ा रहा है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि भारत में मेड इन चाइना हथियारों के जरिए आतंकी साजिश की बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। पीओके के टेरर कैंपों में आतंकियों को जम्मू कश्मीर में हमले के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग खुद पाकिस्तानी सेना दिला रही है। इसी के साथ पाक खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों को हमले के लिए चीन में बने आधुनिक हथियार भी मुहैया करा रही है। और इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश सीक्रेट राज। पाक की बड़ी साजिश का खुलासा। ISI की भारत विरोधी टूल किट। POK में 24 से ज्यादा लॉन्चिंग पैड। भारत में आतंक फैलाने की बड़ी साजिश। मेड इन चाइना हथियार बरामद। सरहद पर हारे अब आतंकियों के सहारे। हिंद की सेना तैयार आतंक से आर पार। सेना को कमान, फेल होगा टेरर प्लान। पिछले 20-25 साल में ISI ने जम्मू कश्मीर में काफी इन्वेस्टमेंट किया है और वो धारा 370 हटने के बाद एकदम जीरो हो गया है। उसका कोई रिजल्ट ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिसको वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे रेज कर सके। अब उनको अपने अस्तित्व की लड़ाई आ गई है कि भाई इतना पैसा गवर्नमेंट ने दिया और उसका रिजल्ट एकदम जीरो हो गया है, तो वो अपनी मौजूदगी, अपना वजूद वहां दिखाना चाहते हैं। और इसमें जो मिलिटेंट होता है वो एक तरीके से पानी की तरह हरकत करता है। जहां उनको कम से कम अवरोध या अपोजिशन मिलता है वो उसी दिशा में बहना शुरू करता है। उसी तरीके से मिलिटेंट को भी जहां कम से कम सिक्योरिटी फोर्सेज का अवरोध दिखाई देता है वो वहीं जाके कार्रवाई करता है। पाकिस्तान का जो एक फैक्ट्री जो हमेशा चलता रहता है वो उसका एकदम अव्वल नंबर पर है, ग्लोबल टॉप में इसका आता है, वो है उसका आतंक का फैक्ट्री, टेरर फैक्ट्री। और अगर वो इतना जो ध्यान अपना टेरर फैक्ट्री पे दे रहा है, अगर नॉर्मल अपने कार्यों में लगता तो काफी तरक्की कर पाता, अपने सिटीजन के लिए वो काफी कुछ ना कुछ अच्छे हाल वहां पे हालात पैदा कर सकता था पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान का जो आर्मी है, पाकिस्तान का जो ISI है, इसी में बस जुटे हुए हैं कि किस तरह से भारत में और जम्मू और कश्मीर में किस तरह से वो आतंक के हमले उनको बढ़ाते रहे, किस तरह से पंजाब के अंदर वो लोग ड्रग्स का मैनेस और बढ़ाते रहे, किस तरह से भारत के अंदर वो लोग भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को उलझा के रखे, और जिस तरीके से जब चीन भी इनके साथ मिल गया है, चीन के साथ भी जो गलवान में हम लोग के इंसिडेंट हुए हैं, अरुणाचल में जो इंसिडेंट हुए हैं, डोकलाम में जो इंसिडेंट हुए हैं, तो चीन के सब ये अब अपना सदाबहार दोस्त उसको मानता है, आयरन फ्रेंड मानता है चाइना को, और चीन के पास वो जाता रहता है गिड़गिड़ा
लगाते हुए और चीन से कुछ ना कुछ वो मदद लेता ही रहता है, और चीन और पाकिस्तान मिलजुल कर कोशिश करते हैं कि भारत के फोर्सेस को किसी तरह से उलझा के रखें। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ सीज फायर समझौते को लागू कर सरहद पर शांति रखने की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ ड्रोन की मदद से सीमा के इस पार सुरक्षा व्यवस्था की टोले आतंकवादियों की घुसपैठ, हथियारों, नशे की तस्करी के प्रयास में जुटा हुआ है। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने में लगा हुआ है, और ये सब वो नापाक हरकत अपने सदाबहार दोस्त चीन की मदद से कर रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा है। पाक की पीली टेप वाली साजिश, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकी संगठनों और तस्करों की मदद से जम्मू कश्मीर और पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार, कारतूस, ड्रग्स के पैकेट गिराने की मौजूदा रफ्तार में तेजी ला रही है। केंद्रीय एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सीमा में लगभग 13,000 ड्रोन की खेप पहुंच गई है। बॉर्डर के करीब सेना की निगरानी वाले स्थान पर पीली टेप के हजारों बंडल पड़े हैं। खास बात यह है कि ड्रोन और पिस्टल चीन निर्मित है, जबकि कारतूस और ड्रग्स पाकिस्तान के हैं। ड्रोन की दिशा सीमा पार जम्मू कश्मीर और पंजाब रहेगी। इस बाबत भारत की सुरक्षा एजेंसियों को सीमावर्ती इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। भारतीय सीमा में मानसून के दौरान ड्रोन के जरिए पीले रंग के पैकेट गिराए जाने की घटनाओं में तेजी देखने को मिल सकती है। ड्रोन के जरिए हथियार और नशा, हाल ही में पंजाब ड्रोन के माध्यम से हथियारों की जो खेप भेजी गई थी उसमें 5 विदेशी पिस्तौल, 5 मैगजीन और कारतूस थे। मौके से 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए थे। पिस्तौल और मैगजीन चीन निर्मित थी। हथियारों की ये खेप अमृतसर के घरिंडा क्षेत्र में गिराई गई थी। हाल ही में तरन तारण जिले के कलसेन क्षेत्र में भी पीले रंग का एक पैकेट बरामद किया गया था, जिसमें 4 पिस्टल, 4 खाली मैगजीन और 50 कारतूस मिले थे। ये पिस्टल चीन निर्मित है, जबकि कारतूस पाकिस्तान में बने हैं। अब पाकिस्तानी ISI द्वारा पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार और नशे के पैकेट गिराने की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते गांवों के खेतों में BSF के जवान पूरी सतर्कता बरतते हैं। खराब मौसम के दौरान कई ड्रोन बच निकलते हैं। चीन निर्मित ड्रोन की खेप पहुंची। BSF द्वारा बरामद किए गए सभी ड्रोन चीन निर्मित है। हालांकि पाकिस्तान को पहले भी चीन से ड्रोन मिलते रहे हैं। फर्क इतना है कि पहले 200-300 ड्रोन के पार्ट्स आते थे, अब वह संख्या हजारों में है। मौजूदा समय में पाकिस्तानी सीमा के करीब 13,000 से अधिक चीन निर्मित ड्रोन की खेप पहुंची है। ये सभी तैयार ड्रोन हैं। इनमें अलग से केवल बैटरी डाली जानी है। ये ब्लिंकर रहित ड्रोन है। इनमें पहले के मुकाबले आवाज भी ज्यादा नहीं आती है। अधिकांश ड्रोन क्वाडकॉप्टर मॉडल DJI मेविक 3 क्लासिक मेड इन चाइना और क्वाडकॉप्टर मॉडल DJI मैट्रिस 300 RTK मेड इन चाइना सीरीज के हैं। कई बड़े साइज के ड्रोन भी हैं। इनमें 25,000 MAH की बैटरी लगी हुई है। इनकी मदद से 20 से 25 किलोग्राम वजन सीमा पार गिराया जा सकता है। नई खेप के ड्रोन का फ्लाइंग टाइम भी बढ़ाया गया है। बॉर्डर गार्डिंग फोर्स पूरी तरह से सतर्क। केंद्रीय एजेंसियों का कहना है कि हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स पूरी तरह सतर्क है। कुछ क्षेत्रों में तकनीक के जरिए ड्रोन को गिराने या उसे जाम करने का सिस्टम तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द ये सिस्टम पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम, गुजरात, राजस्थान और उत्तर पूर्व के राज्य, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से टच करती है, वहां पर इस जैमर को लगाया जाएगा। ड्रोन के साथ जो हथियार पंजाब और दूसरे राज्यों में गिराए जा रहे हैं, अब वे चीन निर्मित हैं। कारतूस और ड्रग्स के पैकेट पाकिस्तान में ही तैयार होते हैं। हथियार और ड्रग्स को पीली रेडियम टेप से तैयार किए गए एक बॉक्स में पैक किया जाता है। पीली टेप की वजह से अंधेरे या खराब मौसम में वह ड्रोन साफ नजर आता है। पाकिस्तान में पहुंची नई ड्रोन की खेप को लेकर सीमावर्ती राज्यों को सतर्क किया गया है। बॉर्डर के इलाकों में गश्त बढ़ाई जा रही है। मानवीय इंटेलिजेंस नेटवर्क का दायरा बढ़ाया जा रहा है। ये जो जम्मू कश्मीर में जो अभी जो वारदात हुई है, जम्मू रीजन में खास तौर से, वो उसी का एक रिजल्ट है
क्योंकि ट्रूप्स काफी संख्या में अमरनाथ यात्रा में एंगेज हैं, इसके अलावा चाइना बॉर्डर पे भी एंगेज हैं, तो उसका फायदा उठाते हुए वो यहां कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जम्मू के जिस रीजन में, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ हो, चाहे वो गुल क्षेत्र हो, चाहे वो हिल काका क्षेत्र हो, चाहे वो रंच पुंछ रजौरी हो या रियासी क्षेत्र हो, वहां पहले भी मिलिटेंट्स की कुछ ना कुछ मौजूदगी रही है और वो लोग डोरमेंट बैठे हुए थे और पाकिस्तान एजेंसी आईएसआई को एक बड़ा धक्का था। उन्होंने उसके लिए क्या किया, अपने जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे या स्लीपिंग सेल्स थे उनको एक्टिवेट किया, उनको और ज्यादा, जहां तक मेरा अनुमान है, उनको और ज्यादा लालच दिया है और जो यहां मिलिटेंट भी बैठे हुए थे, निष्क्रिय बैठे हुए थे, उनको भी ज्यादा लालच दिया है और उनको कुछ करने के लिए मोटिवेट किया है। जिस तरीके से अभी जो ड्रोन्स पूरे चीन इनको दे रहा है, ड्रोन्स के जरिए ये लोग जो है पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी जो है किसी ना किसी तरह भारत के अंदर वो लोग घुसपैठ करवा रहे हैं लोगों को, और ड्रोन्स के जरिए आर्म्स भी भेज रहे हैं, एमिनेशन भी भेज रहे हैं और ड्रग्स भी भेज रहे हैं। साथ ही साथ कई चाइना के मेड इन चाइना पिस्टल्स वहां पर बरामद हुए हैं, साथ ही साथ जो कारतूस है वो पाकिस्तान में बनाए गए हैं और ड्रग्स का तो फैक्ट्री बन ही रखा है पाकिस्तान। मतलब बड़े शर्म की बात होनी चाहिए आम पाकिस्तानी के लिए कि पाकिस्तान जो है अपने आप को एकदम एक ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बन रखा है और टेरर का एक एकदम हब बन रखा है। और ये सब जो चीजें हैं, करीब 25-30 हजार ड्रोन अभी चाइना से इनको मिल रहा है और उस चीज का काम बस यही है कि किस तरीके से भारत के अंदर अस्थिरता और पैदा करे, किस तरीके से भारत के अंदर वो लोग और ड्रग्स भेजे, किस तरीके से पंजाब के नौजवान को, किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं को वो लोग गुमराह करें, किस तरीके से उन लोगों को वेपनाइज करके उन लोगों के पास पिस्तौल पहुंचाएं, किस तरीके से ड्रग्स पहुंचाएं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ की घटनाओं के बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पता चला है कि पाकिस्तान की आर्मी ने पीओके के 24 से अधिक लॉन्चिंग पैड पर बड़ी संख्या में आतंकियों का जमावड़ा किया है। इन आतंकियों की मदद पाकिस्तानी सेना भी कर रही है। भले ही एलओसी पर सीज फायर है, लेकिन आतंकियों को सीमा पार से भेजने में पाक आर्मी और रेंजर्स जुटे हुए हैं। पाक सेना लॉन्च पैड के नजदीक बंकर बनाकर आतंकियों को इसमें छुपा रही है, जिससे भारतीय सेना की नजर इन पर ना पड़े और ये आतंकी छिपकर कई दिनों तक इन बंकरों में रह सकें। मिल रहे हैं चीन में बने हथियार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आर्मी खतरनाक साजिश रच रही है। मेड इन चाइना हथियार, केंद्रीय एजेंसियों का कहना है कि हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स पूरी तरह सतर्क है, लेकिन खुफिया सूत्रों का कहना है कि मेड इन चाइना हथियारों के जरिए आतंकी साजिश की तैयारी हो रही है। पीओके के टेरर कैंपों में आतंकियों को जम्मू कश्मीर में हमले के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, ये ट्रेनिंग पाकिस्तानी सेना दिला रही है। इसी के साथ पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकियों को हमले के लिए चीन में बने आधुनिक हथियार भी मुहैया करा रही है। नए नेविगेशन सिस्टम से घुसपैठ की साजिश, ग्रेनेड और नाइट विजन डिवाइस दे रहे सूत्रों का कहना है कि घुसपैठ करने वाले आतंकियों को चीनी हथियार जैसे कि पिस्टल, ग्रेनेड और नाइट विजन डिवाइस दिए जा रहे हैं। चीनी ड्रोन्स के जरिए पंजाब और जम्मू के रास्तों के जरिए आतंकियों की मदद के लिए हथियार सप्लाई करने की साजिश हो रही है। आतंकियों को डिजिटल मैप शीट, नए नेविगेशन सिस्टम से घुसपैठ कराने की साजिश भी चल रही है। पीओके में बैठे आतंकियों के आकाओं से सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हाईली इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस दिए जा रहे हैं, जिससे भारतीय एजेंसियां उनके संदेशों को डिकोड न कर पाएं। आतंकियों के लिए फंडिंग कर रहा पाक, पंजाब से सटी भारत पाक सीमा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हथियारों को भारतीय सीमा में गिराने के लिए चीनी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अपने प्रशिक्षित आतंकियों को 1-1.5 लाख रुपए के साथ भारत भेज रहा है। इतना ही नहीं, पीओके में मौजूद आतंकियों के परिवार का पूरा ध्यान भी दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हताश हो चुका पाकिस्तान अपने आतंकियों को M4 जैसे महंगे हथियार और कवच भेदने वाली गोलियां मुहैया करवा रहा है। ये गोलियां पाक आर्मी के पास रहती हैं, जो आतंकी के पास तक जा रही हैं। ये हथियार पाक सेना ने अमेरिका और चीन से आयात किए हैं। दिए जाते हैं 6-10 हजार रुपए।
घुसपैठ के दौरान आतंकी की मदद करने वाले गाइड यानी ओवरग्राउंड वर्कर को भी 6 से लेकर 10,000 रुपए दिए जाते हैं। खबर ये भी है कि आतंकवादी फोन और आईकॉम रेडियो सेट के जरिए वाई एसएमएस का इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा या अन्य रूट का फायदा उठाया है। बीएसएफ सभी फेंसिंग और सुरंग की जांच कर रही है। बॉर्डर पर हाई अलर्ट भी बीएसएफ ने इस वक्त किया हुआ है। 10 आतंकी कैंप में ट्रेनिंग। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस समय पाक अधिकृत कश्मीर में करीब 10 आतंकी कैंपों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर घुसपैठ करने की कोशिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आर्मी की तरफ से की जा रही है। इतना ही नहीं, एलओसी और आईबी के आसपास 24 से अधिक लॉन्च पैड को सक्रिय किया गया है। सुरक्षा बल इन पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और एक्शन की तैयारी चल रही है। पीओके में 10 सक्रिय आतंकी कैंप। निकेल, जंत्रुत, खुइरेता, कोटली, संसानी, बोई, समन, कोटकोटेरा, तेजिन, दुधीनियाल। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनको अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिवेट करना पड़ेगा और उस इंटेलिजेंस नेटवर्क का ही हिस्सा है लोकल पॉपुलेशन। जब लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट उनको पूरी तरीके से मिलना लगेगा, क्योंकि डेमोग्राफिकली अगर आप देखें तो जम्मू रीजन में मिक्स्ड पॉपुलेशन है और यहां उनको जल्दी और ज्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना है बजाय वैली के। तो ये एक ऐसा पॉइंट है। इसके अलावा जो पहले एक विलेज डिफेंस कमेटी सिस्टम था वो बड़ा एक्टिव था, क्योंकि वो लोकल्स थे और उनको मिलिटेंट के मूवमेंट की जल्दी खबर मिलती थी और वो सूचनाएं सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंच जाती थी। भारत की जो सुरक्षा कर्मी वहां पे हैं, पूरे तैनात है, हम लोग पूरे आइडेंटिफाई कर लिया गया है ये लोकेशंस। लेकिन जिस तरीके से बैड वेदर में भी ये जो ड्रोन्स आ जाते हैं, ड्रोन्स को मैक्सिमम कोशिश किया जाता है मार गिराया जाए या उनको पकड़ा जाए, लेकिन कोई ना कोई ड्रोन तब भी अंदर आ ही जाता है और पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और उन लोग को भी वो लोग सप्लाई करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान से ये सब चीजें, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अंधेरे में या मॉनसून के समय या बारिश के समय जिस तरह से अगर मौसम भी खराब है तो उसको एक रेडियम बेस्ड येलो टेप वो लोग लगा के उसको भेज रहे ताकि अंधेरे में भी इन लोगों को वो दिख जाए और वहां से उसको वो लोग निकाल कर उसको इस्तेमाल कर पाए। जम्मू में हाल के दिनों में आतंकी हमले तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर से 2016 जैसी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है या फिर भारत को किसी नए तरीके से आतंक के आका से निपटना होगा। लेकिन इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है जितना हम और आप सोच रहे हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर पाकिस्तान और उसकी सरजमी पर डेरा डाले आतंकी संगठन किस रणनीति के तहत जम्मू को अपना निशाना बना रहे हैं। जम्मू में बीते कुछ महीनों में आतंकी हमले बढ़े हैं। आमतौर पर जम्मू को कश्मीर के मुकाबले शांत इलाका माना जाता रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी संगठनों ने अब अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। अब वो हिंदू बहुल क्षेत्र जम्मू को निशाना बना रहे हैं। बीते 78 दिनों में हुए 12 आतंकी हमले इस बात को पुख्ता करते हैं कि आतंकी जम्मू को निशाना बनाकर इस इलाके में अशांति फैलाने की साजिश कर रहे हैं। जम्मू को निशाना क्यों बना रहे हैं आतंकी? जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य का कहना है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान और चीन की मिली भगत हो। दरअसल लद्दाख में इंडो चाइना बॉर्डर और कश्मीर में जिस तरह से सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला है उससे पाकिस्तान और चीन दोनों ही बैकफुट पर हैं। लिहाजा पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन चाहते हैं कि इस पूरे दबाव को जम्मू की ओर शिफ्ट किया जाए। एसपी वैद्य के मुताबिक जम्मू का इलाका आतंकियों के लिए उपयुक्त है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है जो कि घने जंगलों से पटा पड़ा है। वहीं इस इलाके में रोड कनेक्टिविटी भी ज्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में जब कोई आतंकी हमला होता है तो अतिरिक्त फोर्स को पहुंचने में समय लग जाता है। वहीं आतंकी घने जंगलों का फायदा उठाकर भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। 370 हटने के बाद कश्मीर में बैकफुट पर आतंकी।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से आतंकी हमलों में कमी आई है। बीते 5 साल की बात करें तो सेना ने 700 से ज्यादा आतंकी मार गिराए हैं। वर्ष 2020 में सुरक्षा बलों ने 221 आतंकी ढेर कर दिए, वहीं 2021 में 180 आतंकी मारे गए। इसके अलावा 2022 में 193 आतंकियों का सफाया कर दिया गया, तो वहीं 2023 में कुल 87 आतंकी मारे गए। इसके अलावा इस साल जुलाई तक 27 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। आतंकियों के सफाई के लिए 3 अतिरिक्त ब्रिगेड तैनात। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ ही दिनों में जम्मू रीजन में 1 हेडक्वार्टर ब्रिगेड, 3 इन्फेंट्री बटालियन और कुछ एलीट पैरा स्पेशल फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। इन्हें जम्मू कश्मीर के बाहर से बुलाया गया है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है, ये अतिरिक्त जवान जम्मू रीजन में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को तेज करेंगे। अभी सीआरपीएफ के जवानों का इस इलाके में आना जारी है। बताया गया है कि आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कश्मीर घाटी के मुकाबले जम्मू रीजन से घुसपैठ ज्यादा होती है, ऐसे में इस इलाके में अभियान तेज किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि विदेशी आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं, जिनमें MP4, असॉल्ट राइफल, स्टील कोर बुलेट और संचार के भी साधन शामिल हैं। आतंकी हमला करने के लिए निचले इलाके में आते हैं और फिर पहाड़ी इलाकों के जंगलों में छिप जाते हैं। आतंकियों के मंसूबे होंगे नाकाम। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि मानव खुफिया तंत्र और सिग्नल इंटेलिजेंस की कमी की वजह से आतंकियों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में इंटेलिजेंस ब्यूरो, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य एजेंसियों को साथ मिलकर समन्वय के साथ काम करने की जरूरत है। बीते कुछ सालों में कश्मीर घाटी में शांति की वजह से सेना के जवानों की संख्या को कम कर दिया गया था। मई 2020 में चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद करीब 15,000 जवानों को लद्दाख भेज दिया गया था। 15,000 जवान जम्मू रीजन में तैनात। सेना में अभी राष्ट्रीय राइफल्स की रोमियो फोर्स और डेल्टा फोर्स के 15,000 जवानों को जम्मू रीजन में तैनात कर रखा है। इसके अलावा रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन भी तैनात है। दरअसल आतंकी घुसपैठ के बाद पीर पंजाल में छिपने की जगह तलाश करते हैं। अतिरिक्त सैनिकों की 3 ब्रिगेड को तैनात करके पीर पंजाल के जंगलों में छिपे आतंकियों को ढेर किया जाएगा। 2003 में भी इसी तरह का ऑपरेशन सर्प विनाश शुरू किया गया था। इस बार आतंकियों ने गुफाओं में ठिकाने बना लिए हैं। वहीं आतंकी ऊंचे इलाकों में छिपते हैं, जिससे जब नीचे से जवान ऑपरेशन शुरू करते हैं तो उनके लिए हमला करना और भागना आसान हो जाता है। 500 पैरा कमांडो भी तैनात। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमलों को देखते हुए भारतीय सेना क्षेत्र में आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए सैनिकों को फिर से तैनात कर रही है। सेना के सूत्रों ने बताया कि इसका उद्देश्य उन आतंकियों से निपटना है जो अत्यधिक प्रशिक्षित हैं और क्षेत्र में बड़ी संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं। भारतीय सेना ने उच्च प्रशिक्षित पाकिस्तानी आतंकवादियों का पता लगाने के लिए क्षेत्र में लगभग 500 पैरा कमांडो भी तैनात किए हैं। जो ड्रोन है वो बाई एयर आ रहे हैं और जब वो फेंसिंग को या बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो काफी हाइट पे करते हैं, और जब पीछे जाते हैं तो डेप्थ में जब उनको हथियार या ड्रग्स गिराने होते हैं वो नीचे आते हैं और वहां गिरा देते हैं। इसलिए ट्रूप्स का जो जिम्मेदारी है, जो काम है, वो मल्टीफोल्ड बढ़ गया है। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, या तो ट्रूप्स बढ़ाए जाएं या हमें गजट्स बढ़ाए जाएं। अगर ट्रूप्स बढ़ाए जाएंगे तो कुछ ट्रूप्स जो अपना बेसिक काम कर रहे थे वो लैंड क्राइम वाला उसको कंट्रोल करेंगे, कुछ डेप्थ में अपनी ड्यूटी करेंगे और डेप्थ वाले को एरिया को स्कैन करेंगे, उसको सर्च करेंगे, और कुछ एयर के ऊपर नजर रखेंगे। लेकिन ट्रूप्स तो कहीं ऐसे तो है नहीं कि बहुत ज्यादा वहां डिप्लॉय कर दिए जाए। दूसरा आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। इसमें जो हमारी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी है वो लगी हुई है। काफी छोटे छोटे ड्रोन्स भी हैं, बड़े साइज ड्रोन्स भी हैं, 25-30 किलो तक के पेलोड कैपेसिटी कैरिंग वाले ड्रोन्स भी अब चाइना इनको बना बना कर दे रहा है। पाकिस्तान का बस काम है कि उसके अंदर बैटरी लगाए और बैटरी लगा के पूरा सप्लाई इस तरफ कर दे और यहाँ पे हम लोग और अस्थिरता इसको हम लोग को फैलाए भारत के अंदर। तो भारत के जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, हम लोग लेटेस्ट टेक्निक्स और भी इसमें देख रहे हैं, जो ड्रोन के जो जैमिंग मैकेनिज्म है ताकि ड्रोन्स को और गिराया जा सके। तो हम लोग के जितने भी बॉर्डर एरिया है, रही बात अगर राजस्थान अगर देख लें, पंजाब देख लें, जम्मू कश्मीर वाला एरिया देख लें, लद्दाख हम लोग अगर देख लें, नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी अगर हम चले जाएं तो जहां हम लोग के बॉर्डर एरियाज हैं और खासतौर से पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान जो है यही सब चुटपुट हरकतों में ही वो बिलीव करता है, अपने देश को वो डेवलप नहीं कर रहा है, बस भारत के किसी न किसी तरीके से अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है।
इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।